सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप दैट यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ यार। आज की वीडियो में यार मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि यार जहाँ ये जिप्सी खड़ी थी यार वहाँ काफ़ी ट्रैफिक चल रहा था, तो यार काफ़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए यार मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर दूंगा। आज अपने साथ में मारुति की जिप्सी फुली मॉडिफाइड रैली के लिए प्रिपेयर करी हुई। सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो यार इस जिप्सी में कराई गई है वो है यार इसका पेंट। इसको येलो प्लस वाइट डुअल टोन में पेंट करा हुआ है, देख सकते हो। रूफ इसकी वाइट है, रिम्स वाइट हैं, बाकी यार पूरी बॉडी येलो करा रखी है, काफ़ी सही लग रही है। साइड में देखोगे तो आपको यार कई सारे स्टिकर्स दिखेंगे। स्टिकर्स यार कई सारे वर्कशॉप्स के हैं जहाँ पे यार ये जिप्सी मॉडिफाई होने के लिए गई थी, काफ़ी सही लग रहे हैं स्टिकर्स भी। ये देख लो एक बार क्लोज लुक स्टिकर्स की, देख लो यार साइलेंसर हाउस, AK कस्टम्स, H&R, ऐसी अलग अलग जगह पे यार इस जिप्सी को भेजा गया था मॉडिफाई करने के लिए, और उन्होंने यार काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मॉडिफाई किया है। ये देख लो इसकी बैक लुक भी इसकी जिप्सी की काफ़ी अच्छी लग रही है। जिप्सी वैसे तो यार 5 सीटर आती है मेरे हिसाब से, 5 या 6 सीटर, तो इस जिप्सी को यार 2 सीटर बना रखा है। जो बाकी की बॉडी थी यार उसमें टायर्स रख रखे हैं, और यार फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक यार आप पूछोगे ऐसे कैसे, तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया ये जिप्सी को यार रैली के लिए प्रिपेयर करा गया था, इसलिए यार इसका फ्यूल टैंक बाहर है। देख लो 2 स्पेयर टायर्स भी पड़े हुए हैं, एक टोइंग शैकल भी लगा रखा है, और यार बैक में 2 लाइट्स भी एड ऑन करा रखी है, और फ्रंट में भी यार 1-2 लाइटें लगा रखी है। ये देख लो, ये है इसका लेफ्ट साइड का लुक। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से यार ये जिप्सी काफ़ी सही लगती है। ये देख लो लेफ़्ट साइड में भी यार कई सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं रेड बुल का, और जहाँ जहाँ यार ये मैंने आपको बताया जैसे कि जिप्सी गई है मॉडिफाई होने के लिए, ऐसी कुछ यार जिप्सी की मिल जाती है अपने को सिंपल सी। ये देख लो ऐसे लॉक अनलॉक करते हैं अपन जिप्सी को। अब अपन यार एक बार इसका इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं। ये देख लो यार, ये है जिप्सी का कुछ इंटीरियर। इसमें यार सीट सी बिल्कुल अलग टाइप की लगा रखी है, जो कि यार देखो इतनी कंफर्टेबल तो नहीं है, और यार एक केज टाइप बना रखा है जो कि यार रैली के लिए प्रिपेयर करती हैं गाड़ियों को, तो उसमें लगाया जाता है। सीट्स के पीछे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है यार, आप लोग सामान वगैरह आराम से रख सकते हो अगर आप लोग यार इस जिप्सी को लेके कहीं ट्रैवल वगैरह पे जा रहे हो। अब यार मैं एक बार जिप्सी में बैठता हूँ, बैठ करके देखता हूँ यार कैसी फील है जिप्सी की। पहले तो यार ये केज के कारण मेरे को बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी तो यार जिप्सी में कुछ ऐसा नहीं है इंटीरियर में, तो बेसिक ही है इंटीरियर। सामने आप लोग देख पा रहे हो यार सारे लाइट्स के कंट्रोल हैं, जो कि यार फ्रंट में भी और बैक में लग रखी है। यहाँ पे यार एक थोड़ी सी स्टोरेज दे रखी है जो कि यार अभी लॉक कर रखी है। ये देख लो, ये इसकी चाबी है जिससे यार ये खुल सकता है। बाकी तो यार AC दे रखे हैं, AC वेंट्स देखो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। सिंपल सा गियर नॉब है, और यार एक 4x4 वाला नॉब भी है। ये देख लो छोटा सा, जिससे यार आप लोग 4x4 अगर करना चाहो जिप्सी को तो वो कर सकते हो। इस जिप्सी में मुझे हेडरूम का तो कोई इशू नहीं लगा, देख सकते हो, पर यार थोड़ी सी लेग रूम की दिक्कत थी, क्योंकि यार सीट्स को आप ज़्यादा पीछे भी नहीं कर सकते केज के कारण, तो यार थोड़ा हेल्दी बंदा होगा ना तो वो यार कम्फर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। ये देख लो जिप्सी की लाइट्स, जो कि आफ्टर मार्केट लगवा रखी है। अब एक बार यार आप इस जिप्सी की एग्जॉस्ट की आवाज सुनो। सो गाइज, आपको कैसी लगी इस जिप्सी की एग्जॉस्ट की साउंड? मुझे तो काफी अच्छी लगी। और भाई आपको ये जिप्सी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।